मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी है। कॉरिडोर का निर्माण सरकार को अपने खर्चे पर कराना होगा। मंदिर के खाते में जमा धन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है और दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत दी है कि वे इस बीच निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। ईडी ने संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप लगाया है। क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत की हार के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मुकाबला होता तो भारतीय टीम जीत जाती। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि कल तक जो क्रिकेट एक खेल था आज सियासी इवेंट बन गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक और पैरोल मिली है। वह 21 दिन जेल से बाहर रहेगा। राम रहीम बलात्कार के एक मामले में दोषी है। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इस बीच टीम को 9 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है। 6 इंची पाइप मजदूरों तक पहुंच गया है। 52 से 53 मीटर पर 6 इंची पाइप पार हुआ है। खाना एवं अन्य चीजों को 41 लोगों तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।